कुछ हमने क्वेश्चन रेज किए थे सर, आपने तीन क्वेश्चन थे वो ग्रिड वाली जी सर। सर आपके तीन क्वेश्चन थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका था कि वो हीटअप होने शुरू हो जाएगी तो उसका क्या मसला होगा, तो सर बात कर रहा हूँ गिरी वाले से कंसल्ट किया आपने सर किया मनोज जी पहले था उनका क्या था कोई नहीं लगा उस दिन का बात तो नहीं है सुबह जी जी। सर जो आपने हीटिंग की बात की थी उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट जो दो चीज़ों का है, एक तो हम दो बैटरी का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एक रेस्टिंग बैटरी एक वर्किंग बैटरी। रेस्टिंग बैटरी चार्ज हो रही होगी, वर्किंग बैटरी जो है वो गाड़ी को चला रही होगी। उसके बाद जब सेंसर्स उसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे जो ये चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि ये इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि अब आगे वो हीट होने शुरू हो जाएगा हमारी टर्बाइन को, तो वो टर्बाइन को चलाना छोड़ देगा और वो उसी प्रेशर से टर्बाइन ठंडी हो जाएगी, और जब वो ठंडी होगी तब उसको दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। सर आपने बात की थी उसके ऊपर कि हम होंडा वालों पे सेल करेंगे कि नहीं करेंगे। सर होंडा को क्यों सेल करेंगे जब हम अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं, हमारे पोटेंशियल कस्टमर हर कार ऑनर है। मैं वही कहा था ये चीज ऐसी है कि ये वो खैर अलग ब्रांड ही जस्टिफाई करती है। सर हमारे पास एक प्रोटोटाइप सिमुलेशन है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वीडियो के अंदर बड़ी नहीं है कम से कम, क्योंकि ये इसका पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी चेंज होगा गाड़ी का जो जिसके अंदर टर्बाइन वर्क कर रही है, ये हमारे विंड अगर आप कन्विंस भी कर पाओ तो क्या खुद आपको दो चार पाँच लाख रुपए दे भी दे तो आप बना पाओगे? गेम चेंज कैसे होगी, कैसे आपको आपको सम पॉलिसी सर्कल सम मैन्युफैक्चरर सम इन्वेस्टर उनको कहेंगे हाँ जी कोई चौधरी सलाम और फिर सलाम हो गए वो कहेंगे अच्छा मैं कन्विंस हूँ मैं लगा पाऊँ और अगर मैं आपको बताऊं कि आप जो है 35 लाख की गाड़ी लेते हैं और अगले साल फ्यूल के ऊपर उसे 5 लाख के ऊपर आप खर्च करने के बजाय सिर्फ 2.5 लाख आपको खर्च हो गया, तो एफिशिएंसी एफिकेसी से कोई क्वेश्चन नहीं है। जो स्टेप होगा वो क्या हम फिजिकल एक प्रोटोटाइप खुद बनाए लाइक इस बार की इवेंट और इसके लेकिन जो भी इवेंट है प्रोटोटाइप तो देखी जाएगी आपकी प्रोटोटाइप बना के फिर आप सेल कर सकते हो प्रोटोटाइप को मुख्य एग्जीबिशन में जाओ ओके और लोगों को कन्विंस करें फिर उसको इंटरनेशनल रीजनल कंपटीशन में रजिस्टर कराओ। यार का स्टार्टअप प्लान नहीं है ये, आप सब बिजनेस प्लान है पूरा आपको फीचर्स जो जिसके हमने आपको बताया आपकी पूरी गाड़ी का मॉडल उसका फ्रेम हर चीज उसके हमारे पास मेहरान का एफ एक्स का ये सारों का जो फ्रेम पड़ा हुआ है हमने उसको कुछ नहीं कर हमारे पास जो है एक बॉडी अवेलेबल है, हमने जस्ट उसको एरोडायनामिकली डिजाइन किया है। किसी मैं वही बात कर रहा हूं किसी इंजीनियर से या कोई इस तरह से वो टेस्टेड है कि हाँ इसके अंदर कहीं विंड का जो चीज है कहीं से ऐसे अगर आप उसको यूं और यूं कर देना तो विंड का इंपैक्ट उस तरह से पड़ रहा होगा। इससे बिल्कुल आपकी बात सॉफ्टवेयर से दुरुस्त है, ये चीजें तब की है जब एक बात बताए आपकी गाड़ी यूं जा रही है ठीक है आप ये देख रहे हैं कि विंड सामने से पड़ रही है, हमारे पास जो भागलपुर का एरिया है इसके अंदर आंधियां चलती है ठीक है, आपकी विंड जो है यहाँ से आएगी उसको प्रेशर कर रही है यहाँ साइड से आती है तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका, गाड़ी जल्दी हीट हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपके सलमान को गाड़ी लेके आया, गाड़ी हीट ही नहीं हो रही, हीट होती है गाड़ी जब इंजन उसका चल रहा हो तो इंजन से हीट होती है ना, जब हम रेडिएटर में पानी डालते हैं इसका तो इंजन ही नहीं है, ये तो बैटरी के ऊपर चल रही है। आप जो बात कर रहे हैं टर्बाइन की हीटअप होने की उसका भी सलूशन आपको जो है वो सेंसर के थ्रू बताया जाता है जी, यहाँ से हवा आ रही है जी, यानी गाड़ी चल रही है हवा जी, अब आपकी जो बाहर की हवा है जी कितनी स्पीड से हवा आएगी इसको सर, जितनी स्पीड से कार चल रही होती है और प्लस वो वाली हवा की स्पीड जो उसकी रेजिस्टेंस पे चल रही है जो इंपैक्टिंग स्पीड होती है ना वो डबल हो जाती है जी, यही बात है ठीक है, यहाँ पर अगर स्पीड 100 है और आगे से हवा जो है वो भी 100 पे आ रही है 200 की स्पीड जिसको हम
आपने एयर स्पीड मैनेज करनी है तो उसमें आपको यहाँ पे इनलेट्स जो है वहाँ पे कुछ आपको बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी। जैसे अगर आपकी ट्रू एयर स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप हवा का थोड़ा सा जो है वो रेजिलिएंट करेंगे। लेकिन ये स्टार्टअप नहीं है, ये बिजनेस प्लान है पूरा। अगर आप इसको लेकर चलते हैं इसके अंदर इंजीनियरिंग भी आएगी, इसके अंदर एरोडायनामिक्स भी आएंगे, हर चीज आएगी। ये मेजर एक जो है ना वो बिजनेस आइडिया है, ठीक है। इसके अंदर जो सर बात कर रहे हैं ना, जो टर्बाइन होती है उसकी कैपेसिटी होती है, देखिए हिट कर रही है, एक पंखा है ठीक है, उसको आप ब्लो कर रहे हैं ठीक है, वो घूमेगा, वो घूमता रहेगा और जितनी तेजी से ब्लो करेंगे वो ज्यादा तेजी से घूमे। आप चाहते हैं वो हीट का, जब वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो क्या होगा, हीट हो जाएगा, आग लगेगी उसमें, डेफिनेट है। ये जो जहाज होते हैं वो यही होता है जी, मैं बता रहा हूँ। तो 100 अगर उसकी कैपेसिटी टर्बाइन की है 150 और इंपैक्ट आ गया 200 का, चलें इससे भी ज्यादा बात करते हैं तकरीबन 180 190 में तो हमारे पास हवा चलती है, जब आंधी आती है उसके साथ जब इसका इंपैक्ट आप करेंगे और 300-350 के ऊपर जब इंपैक्ट होगा सामने से ठीक है, और साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे जो उसको इग्नाइट कर देंगे, तो बता इसका क्या हाल होगा। उसके लिए आपने बात की, इसके अंदर हम विद सेंसर हम वो इसको पैड्स कह लें जो पीछे बोनट लगता है वो इंस्टॉल किया जा सकते हैं इसके अंदर, कि जब स्पीड इंक्रीज होने लगे तो वो चीज अंदर स्लाइड इन हो जाए। कोई परिंदा आया है आपकी गाड़ी के अंदर? मैंने कवा दिया था गाड़ी के अंदर, कुत्ता वगैरह तो चले मत हो गया ना, मैंने कवा दिया था, वो गोश्त वोश्त खा रहे थे घुमरा हुआ, तो वो मेहरान के अंदर वो फंसे, यहाँ पर एक कवा आके फंस जाता। सर ये तो वैसे रेट के सिनेरियो में कवा बस किस तरह का है ना, और बाकी पार्टिकल्स हमारे पास अगर आप देखिए बारिश होती है कितने पतंगे होते हैं। आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, आप हनीकॉम्ब यूज करें, हनीकॉम्ब पे इनलेट्स लगाएं और हनीकॉम्ब को आप मजीद फिल्टर आउट कर दें। फिल्टर से फायदा ये होगा कि जो आपके जो है हमारे कितने पतंगे और मच्छर वगैरह उसको इसमें जाके वो तो डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरा इसकी जो डायनामिक्स है एरोडायनामिक्स वो चेंज होंगे, ये बॉडी का इस्तेमाल ही होगी इसमें, देख लिया ठीक है। अगर इन चीजों में वर्क करेंगे ना तो ये आप इंशाल्लाह आप कहां जाते हैं, हम भी यही चाहेगा कि लेकिन जगह को समझ कर रहेंगे तब जाकर ये मैकेनिकल जो क्वेश्चन है जो इसके कुछ आप ऑटो कैड कर रहे हैं, ऑटो कैड से कर रहे हैं मेरी काम नहीं सर, आप ऑटो कैड कर रहे हैं, ऑटो कैड कर रहे हैं जिससे आप एक बेसिक मॉडल बनाएं, उसके बाद आप उसकी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो किसी एरोडायनामिक का जो एक्सपर्ट हो, जो फ्लूइड डायनामिक्स का हो, उसको आप दिखाएं कि इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं। अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ठीक है तो इसका मतलब आपका एरोडायनामिक्स ठीक है, ठीक है। तो एक आप कम अज कम ऑटो कैड तो कर सकते हैं ना, ऑटो कैड कर लें उसके बाद फिर आप ये होगा कि आप जो बेसिक चीजें हैं उनको आप मिटिगेट कर लेंगे, जो बेसिक रिस्क वगैरह है आगे जब प्रोटोटाइप बनाएंगे तो मसला है। और जब आप कभी दोबारा फाइनेंशियल इसको प्रेजेंट करें इसके अंदर एक कॉस्ट आएगी जिसको हम कहेंगे संक कॉस्ट। कहां के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है जी, ठीक है। इसमें संक कॉस्ट पता है, संक कॉस्ट भी पता है, सिर्फ बीबीए के स्टूडेंट कहां के, आप फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के, चल एक होते हैं संक कॉस्ट इसके अंदर ठीक है। जितने भी आरएनडी प्रोजेक्ट्स होते हैं आप इसको रेफर करते हैं, आपके पास आरएनडी बहुत ज्यादा आरएनडी जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कितने परसेंट सक्सेसफुल होते हैं, नहीं डॉक्टर साहब